अगर आप भी देकर आ रहे हैं सीबीएसई क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन जो आज हुआ है सुबह में, अगर आप उसको दे के आ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मैथ में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, ताकि जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से आए हैं बना के वो मिला सके कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। चलिए तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो आज जो एग्जामिनेशन हो चुका है मैथमेटिक्स का 7 मार्च 2019 को, मैं उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्याएं ए और बी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। त्रिज्याएं ए एंड बी, ए ग्रेटर है बी से, दो संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा के स्पर्श रेखा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, उसमें बड़ा वाला का ए है और छोटा वाला का बी, ठीक है, बड़े वाले का ए और छोटे वाले का बी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आइए तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक सर्कल ले लिया, उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बना लिया, और उसके बाद बड़े वाले का रेडियस ए, छोटे वाले का रेडियस बी। अब यहाँ से जब कोई गुजरेगा कॉर्ड तो पाइथागोरस लॉज से ये हाइपोटेनस ए और ये परपेंडिकुलर बी, तो ये बेस का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बेस का वैल्यू ये आधे का। तो पूरे कॉर्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पूरे कॉर्ड का वैल्यू हो जाएगा 2 into रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि इस तरह से आपने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना के और बड़े का रेडियस ए छोटे का रेडियस बी किया है, और उसके बाद ये लाइन खींच के आपने पाइथागोरस लॉज लगा के बेस का वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया है, और उसके बाद आपने पूरा कॉर्ड निकालने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। अगर आपने स्टेपिंग नहीं भी किया है, अगर थोड़ा बहुत आप शॉर्ट करके भी चले हैं, लेकिन आपका आंसर इतना आ गया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, और दोनों ट्रायंगल के बाद यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ऐसे फिगर में भी बताया हुआ है, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए पी एस क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा पाइथागोरस लॉज से हम निकालेंगे 3² + 4² और उसका रूट करेंगे तो 5 आएगा, फिर टेन थीटा जैसे ही अप्लाई करेंगे तो पी क्यू बट्टा आर क्यू यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस से हमारा वैल्यू आ जाएगा 5/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक मिनट इसमें शायद देखिए कि इसमें और करके भी क्वेश्चन है, मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टेन अल्फा का वैल्यू 5/12 दिया हुआ है, तो सेक अल्फा का वैल्यू निकालना है। सेक अल्फा आप पी बटा बी कर सकते हैं, इसको पी मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। ऐसे कंडीशन में एच का वैल्यू पाइथागोरस लॉ उससे जब हम निकालेंगे तो 13 यूनिट आएगा, और सेक अल्फा इज इक्वल टू एच बटा बी यानी 13/12 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऐसे निकाला है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा दिया है, सेक अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 + tan² अल्फा, तो अगर आपने ऐसे भी लगाया है फॉर्मूला तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू जो है सेक अल्फा का वो 13/12 यानी 13/12 आपको आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको विभक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया हुआ है x + 5, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके सॉल्व किया, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमारा वैल्यू आ गया x² + 31 = 0, x का इसमें कोई वैल्यू नहीं आया, तो a जो है जो हमारा हो गया 1, चूंकि x का कोई वैल्यू नहीं है तो b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 31। और जैसे ही मैंने d निकाला, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो 0² - 4 × a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 31, ये सभी मल्टीप्लाई होकर -124, तो इसका वैल्यू जो आया है, इसका जो आंसर आया है वो आया है -124। अगर आपका आया है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है कि इसमें
क्वेश्चन नंबर फोर कि एक दिया हुआ है, इसमें बताइए कि दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा। तो इसको देखिए मैंने इधर सॉल्व किया है। सबसे पहले 3 के स्क्वायर से 27 को काट दिया 3 बार का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जै 27। और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 3 यहाँ पे 5 to the power 4 को मैंने यहाँ पे 5 to the power q into 5 कर दिया। 5 से जब इसको डिवाइड दिया तो 0.6 आ गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद 2q into 5q को मैंने कर दिया 10q, और ये 0.6 को जब मैंने 10q से डिवाइड दिया तो 4 अंक के बाद, यहाँ 4 डिजिट के बाद हमको दशमलव आया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि इसमें डेसिमल जो होगा वो डेसिमल होगा 4 डिजिट के बाद, यानी कि 4 डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि 429 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान है, 429 को इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप मतलब डायरेक्टली ये मैंने लिख दिया है, आप 429 को पहले इस तरह से आप ब्रेक करेंगे, ये देखिए 429 को पहले आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में अपना आंसर ऐसे लिखेंगे, 429 = 3 × 11 × 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैं और भी बनाता चल रहा हूँ टोटल। चलिए 6 के प्रथम 10 गुणजों, यानी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, इसको भी मैंने बना के रखा है। यहाँ पे देखिए सम निकालने के लिए कह रहा है, तो 6 के 10 मल्टीपल्स 6 से लेके 10 तक हुए हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू n का है वो n का वैल्यू है 10, a का वैल्यू है 6, और जो कॉमन डिफरेंस है सीरीज में, उस सीरीज में कॉमन डिफरेंस है 6 का। यहाँ पे मैंने s10 का वैल्यू लगाया है, s10 का वैल्यू लगाने के बाद मैंने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया 330। तो अगर आपका वैल्यू भी 330 आया है तो आपका आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं, यानी कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 units। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद m का एक इक्वेशन यहाँ पे हमको आ गया है। अगर वीडियो आपको तेज लगे तो आप रोक के भी समझ सकते हैं। मेन तो फाइनली आपको आंसर से है कि आंसर कितना आ रहा है, मैं बस मिला लूँ। तो यहाँ पे एक m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद m के दो वैल्यूज आए, एक -9 और एक 3। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा आंसर में 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम सेक्शन बी में आ चुके हैं। सेक्शन वन हमारा खत्म हो चुका है। सेक्शन ए, सेक्शन बी को देखते हैं। एक डाइस को थ्रो किया गया, एक पासे को फेंका गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम एक कंपोजिट नंबर गेन करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो कंपोजिट नंबर 3 आ सकता है, 3 तरह का, 2, 4 और 6। तो यानी कि इसका नंबर हो गया 3, 3 ऊपर, और टोटल आउटकम 6, यानी 3/6 को जब हम काटेंगे तो 1/2। सबको उतना डिस्क्राइब करना नहीं है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन क्या डिस्क्राइब करना। और भी मैंने क्वेश्चन जो हार्ड है उसको डिस्क्राइब किया है पहले की बात ही। फिर एक प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्राइम नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। कैसे, तो प्राइम नंबर भी होते हैं 3 तरह के, 1, 3, 5, तो 3 ऊपर और टोटल आउटकम 6 नीचे, कट के 1/2। एक कार्ड जिस पे 7 से 40 लिखी हुई है, 7 से 40, यानी कि कार्ड की संख्या कितनी है, तो 6 तक नहीं है, 1 से 6 तक नहीं है। तो कितनी है कार्ड की संख्या, तो 7 से 40, यानी 40 में से 6 चला गया। क्यों, क्योंकि 7 से तो है ना, 6 तक नहीं है, तो 40 में से 6 गया 34। अब पूछ रहा है कि उसमें से पूनम एक कार्ड निकालती है, पूनम एक कार्ड को ड्रॉ सेलेक्ट करती है रैंडमली, तो 7 का मल्टीपल होने का क्या चांस है। तो 7 का मल्टीपल 7 से 40 तक हो सकता है, 5 पीस खुद 7, 14, 21, 28 और 35। उसके बाद इसकी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया टोटल 5/34। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5/34। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का, एक पैरेललोग्राम का यहाँ पे 4 वर्टिसेस दिया हुआ, जिसमें एक वर्टिसेस ए और बी है। तो हमको ए और बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि इसका किस तरह से बनेगा। तो देखिए, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, मैंने दूसरे मेथड से बनाया। अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है तो आपका भी आंसर इतना आना चाहिए। देखिए, फर्स्ट वर्टिसेस दिया हुआ था 3, 1, 3 और यहाँ पे 1, सेकंड वर्टिसेस था 5, 1 पर, और थर्ड एक वर्टिसेस जो लास्ट वाला था वो दिया हुआ था 4, 3 पर, ठीक है। तो एक वर्टिसेस जो 4, 3 पे दिया हुआ था, और
यहाँ पे जो वैल्यू है ए बी सी डी, ए बी सी डी का हमको निकालना है, ए बी सी डी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो नहीं होगा, ओनली यहाँ पे वैल्यू इधर मैं चलूँगा ए, तो ए का 3-1, यहाँ 5-1। उसके बाद आप देखिए कि कितना ऊपर गया, तो ये 1 पर था, 1 पर था और ये गया 3 पर, ठीक है। तो ये पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसमें कोडिंग पहले से दे दिया था क्वेश्चन में, पहले से डी का कोडिंग दिया हुआ था 4-3, तो यहाँ भी 4-3 कोडिंग दिया हुआ था। तो बाई का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3 है, देखिए यहाँ भी बाई का कोऑर्डिनेट 1-1-1 फिक्स था, यहाँ पर भी 1-3-3 कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। तो यानी कि डी का जो वैल्यू यहाँ पे जो हमारा बी का वैल्यू बनेगा, ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया था, आप देख सकते हैं, मैं इसको बता देता हूँ फिर से बना के। तो ए और बी के बदले मैंने डायरेक्टली क्या किया है, तो ए और बी के बदले डायरेक्टली वैल्यू डाल दिया है, यहाँ पे 1 और 1 था, तो यहाँ पे 3 गिवन था, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इससे कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो देखिए ये 5 था, ये 4 हो गया, तो ये 3 है, तो ये 2 होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा ए का वो हो जाएगा 2, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाते हैं तो आपको वैल्यू 2-3 आना चाहिए था। चलिए इसमें और करके एक क्वेश्चन है कि ए और बी जो एक दो पॉइंट्स है, इसको दो पॉइंट्स पी और क्यू जो है जो ट्राइसेक्ट करती है, तो पी और क्यू का आप यहाँ पे निकालिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना के रखा है, पी जो है जो ए के नज़दीक है, क्यू बी के नज़दीक है, इसको मैंने बना लिया, ए का कोऑर्डिनेट डाल दिया, बी का कोऑर्डिनेट। अब जब आप पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा रेशियो 1 और इस टोटल का रेशियो हो जाएगा 2, यानी 1-2 के अकॉर्डिंग से यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है। तो एक्स 1 का वैल्यू -4/3 आया। उसके बाद जब मैंने बाई वन के लिए कैलकुलेट किया, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब पी के लिए चलेंगे तो इस रेशियो को 2 लेंगे और इस रेशियो को 1 लेंगे और सेक्शन फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, फिर बाई वन का वैल्यू 8/3 आया। अगर आपको फास्ट लग रही हो तो आप रोक के आप इसको समझ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने 4-4/3 और 8/3 निकाल दिया। अब क्यू के लिए जब चलेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 2 और ये बाद का रेशियो हो जाएगा 1, तो फिर उस अकॉर्डिंग से यहाँ पे मैंने क्यू का भी दोनों वैल्यू एक्स का और वाई का निकाल दिया है, तो -2/3 और 16/3 हमारा आंसर आया है। तो पी का कोऑर्डिनेट इतना और क्यू का कोऑर्डिनेट इतना, अगर आपका आया है तो बिल्कुल सही है, आपको मार्क्स मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन के आंसर में अगर आगे पीछे हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आके सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक तरह का लीनियर पेयर दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो नीचे में दिया हुआ है उसमें 9x के तरफ हमने 2y को कर लिया, तो 9x के तरफ जैसे ही मैंने 2y को किया तो 9x - 2y = 7। उसके बाद ये अलग है और ये अलग है, फिर देखिए इसमें 5y था, 5y को और 2y को एक जैसा करने के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपने कोई अदर मेथड अपनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर अगर इससे सेम हो रहा है तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ये दोनों इक्वेशन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, 6x - 10y = 8 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 5 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद -45x - 10y = 35। फिर जब मैंने दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे मेरा -39x = -27 आया, तो एक्स का वैल्यू 9/3। फिर मैंने बाई में सेकेंड इक्वेशन में एक्स का वैल्यू डाल दिया तो बाई का वैल्यू आ गया -5/13। अगर आपको ये आ गया है वैल्यू तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 65 और 67 का HCF इस रूप में लिखा गया है, तो n का वैल्यू बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 65 और 117 का जो HCF है वो होता है 13, ठीक है। तो मैंने इसको 13 के बराबर कर दिया क्योंकि इसमें लिखा है कि HCF जो है, क्योंकि इस फॉर्म का है HCF 65n - 117 के रूप का है, तो इसको मैंने 13 के बराबर करके इसको इक्वल इधर किया RHS की ओर, तो ये दोनों ऐड होके हो गया 130, n का वैल्यू 130/65 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए, इसका कोई भी रूट नहीं होगा, तो फॉर नो रूट d = 0, तो d का वैल्यू होता है
फॉर नो रियल रूट डी इज इक्वल डी इज लेस देन जीरो, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, मैंने बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस छः का स्क्वायर किया माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू के और सी का वैल्यू माइनस वन, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गया फोर के प्लस में और ये उधर जाके माइनस फोर के इधर हो गया 36, फिर के का जो मैंने ये माइनस है वो इधर भेज दिया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया k इज ग्रेटर देन 36 बट्टा माइनस फोर, यानी कि यहाँ पे k जो है जो हमेशा ग्रेटर होगा माइनस नाइन से। तो अगर आपको इसका वैल्यू आया तो बिल्कुल सही है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन सी और सेक्शन डी जो कि काफ़ी लंबा है, अगर मैं एक ही वीडियो में वो डालूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी मैं बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल पर बने रहें। 12 तक का मैंने सॉल्यूशन दिया, बाकी सेक्शन सी और सेक्शन डी का मैं आपको और भी सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। और रुकेंगे जरा सा, अभी वीडियो अंत नहीं हुई है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि जब लाइक शेयर ही जाता है व्यूज जाती है तो हम लोग को भी मिलता है अंदर से सपोर्ट और हम लोग बनाते हैं वीडियो। और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर आएंगे और लिखेंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए सी और डी के सॉल्यूशंस मैं जल्दी आप लोगों के लिए लाने जा रहा हूं, मिलते हैं अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो के साथ।